हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है ग्वालन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रोचक कहानी से। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और वो सब लोगों को दूध नाप नाप कर देती थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक नौजवान लड़का दूध लेने के लिए आया, तो ग्वालन ने उसे लड़के को बिना नाप तोल के ही दूध से उसका पूरा बर्तन भर दिया। वो थोड़ी दूर वहाँ पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नजर ग्वालन पर पड़ी। उसने ये सब देखा तो उसके पास बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जिस लड़के को उसने बिना नापे तोले दूध दिया है, वो उस लड़के से प्रेम करती है, इसीलिए उसने बिना नापे तोले ही दूध दे दिया है। ये बात उस महात्मा के दिल को छू गई कि एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है, वो उसका हिसाब किताब नहीं रखती, और मैं जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उनका नाप माला में गिन गिन कर लेता हूँ। मुझसे अच्छी तो ग्वालन ही है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ हमें हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कैसा हिसाब किताब। पर आज के इस कलयुग के युग में लोग प्रेम भी हिसाब किताब देख कर ही करते हैं। अगर उसने मेरे लिए किया है तो मैं भी उसके लिए ही करूँगा। वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। ये प्रेम नहीं व्यापार है, इसलिए हमारे रिश्तों की मधुरता खत्म हो गई है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।